सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है तो आखिर है क्या, क्या मतलब है इसका, इसमें क्या बंद होगा क्या खुला रहेगा, हर सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब को 31 मार्च तक लॉकडाउन हो गए हैं। कई शहरों समेत देश के 75 ज़िले इस समय लॉकडाउन हो चुके हैं। अब तक आपने कर्फ्यू के बारे में सुना है, मगर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह लॉकडाउन क्या है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, ऐसे कई सवालों के जवाब यहाँ जानें। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर क्या है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल पश्चिमी देश कई बार इमरजेंसी स्थिति में ऐसा कर चुके हैं। इंडिया में लोगों को घरों में रखने के लिए कर्फ्यू या धारा 144 जैसे कानून का सहारा लेते रहे हैं, मगर लॉकडाउन का इस्तेमाल इंडिया में पहली बार हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ ज़रूरी या इमरजेंसी स्थिति में ही आपको घर से निकलने की अनुमति रहेगी। इस दौरान सभी बाज़ार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद रहेंगे, हालांकि ज़रूरी सेवाएं बहाल रहेंगी। दूसरा सवाल है कि क्या पहले भी लॉकडाउन हुआ है। अमेरिका में 9/11 टेररिस्ट अटैक के बाद 3 दिन के लिए पहली बार लॉकडाउन किया गया था। इसके बाद 2013 में बोस्टन और 2015 में पेरिस हमले के बाद ब्रुसेल्स लॉकडाउन किया गया था। तीसरा सवाल, क्या क्या सेवाएं इसमें बंद रहेंगी। किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा को अनुमति नहीं होगी। इसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब बंद रहेंगे। दिल्ली में DTC की 25% बस चलेंगी। सभी दुकानें, बाज़ार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली मार्केट्स ये सब बंद रहेंगे। इंटरस्टेट बसें, ट्रेन और मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी। सभी घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें रद्द रहेंगी। किसी तरह का निर्माण कार्य फिलहाल बंद रहेगा। सभी तरह के धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अब अगला सवाल है, क्या क्या खुला रहेगा। तो दूध, सब्जी, दवा की दुकानें लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। अस्पताल और क्लिनिक भी इस दौरान खुले रहेंगे। इसके अलावा राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। किसी बेहद ज़रूरी काम के लिए भी प्रशासन की ओर से छूट मिल सकती है। बैंकों के कैश से जुड़ी सुविधाएं जारी रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट और डाक सेवा जारी रहेंगी। अब अगला सवाल है, किन लोगों को छूट मिलेगी। पुलिस का काम जारी रहेगा, साथ ही कानून व्यवस्था को लागू कराने वाले विभाग भी काम करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का काम भी जारी रहेगा। जेल विभाग और बिजली व पानी के दफ्तरों में भी काम जारी रहेगा। नगर निगम के साफ सफाई या कूड़ा उठाने जैसे काम भी चलते रहेंगे। इसके अलावा जेल विभाग के काम भी चलते रहेंगे। मीडिया कर्मियों को भी इस दौरान आने जाने की छूट होगी। अब एक और सवाल, क्या पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। सरकार ने पेट्रोल पंपों और ATM को आवश्यक श्रेणी में रखा है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से इन्हें खोला जा सकता है। अगला सवाल, क्या प्राइवेट वाहन चला सकेंगे। अगर बहुत ज़रूरी हो तो लॉकडाउन में भी निजी वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि बिना वजह बाहर घूमने पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। इमरजेंसी व्यवस्था में एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप घूमने जा सकेंगे। लॉकडाउन का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आएं, इसलिए ज़रूरी नहीं होने पर घर से बाहर ना निकलें। अगला सवाल ये है कि क्या शादी विवाह के कार्यक्रम होंगे। संक्रमण फैलने के डर से किसी भी कार्यक्रम के लिए लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी, आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगला सवाल, क्या निजी कर्मचारियों को काम पर जाना होगा। लॉकडाउन में सरकारी हो या निजी कंपनी सभी बंद रहेंगी, सिर्फ जरूरी विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। तो ये पूरे लॉकडाउन के क्वेश्चंस आंसर्स हैं। लॉकडाउन क्या होता है, क्या इसमें बंद रहता है, क्या खुला रहता है,
इन सारे सवाल जवाबों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।